आप इश्क कर किससे रहे हो? अब लोग कहते हैं सेल्फ लव, बेशक होना चाहिए, वो हर इंसान बाय डिफॉल्ट करता है। इश्क है क्या? मेरे घर पे मेरी महबूब है, मेरे को इश्क करना है, मेरी माँ मौजूद है, मेरे बाप मौजूद हैं, तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूँ मैं। ना जाने कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, ना जाने कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, यूं ही किसी ने इसके दिन नहीं घटाए। तो मुझे ये बताएं, मैं एकदम ब्लंट आपसे पूछता हूँ, दिल टूटा है आपका? नहीं, फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं। दिल टूटना फालतू चीज है? बेशक। पहली चीज, अगेन मुनव्वराना साहब पे आता हूँ कि उनका एक शेर था कि अगर मामूली शक्लो सूरत की लड़की मेरी महबूब हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती। तो मैं वहां तक जाऊँ क्यों? मेरे घर पे मेरी महबूब है, मेरे को इश्क करना है, मेरी माँ मौजूद है, मेरे बाप मौजूद हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, ये दोस्त हैं मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। इश्क है क्या, प्लीज बताएं, ये मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। इश्क एक गुबार है। और चलो इत्तफाकन हम एक, ये अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ आपको क्या दिख रहा है? आसमान, बिल्डिंग। अब मान लीजिए आपको वो, अगर वो हल्का सा बादल दिख रहा हो तो आप उसमें क्या देख पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है हल्की सी रुई जैसी कुछ है जो हवा में तैर रही है। अब मेरे लिए मैं जो चाहूं वो शक्ल उसमें देख सकता हूं। अब मैं अपनी माँ को देख लूं, अपनी छोटी बहन को देख लूं, या अपने वालिदा को, वालिद को देख लूं, या नसीम भाई को देख लूं, मैं किसी को भी देख सकता हूं। ये होता है गुबार। गुबार जो किसी कोई चीज को तसव्वुर कर ले, जो देख ले। कहते हैं ना, बहुत लोग अंग्रेजी में एक वर्ड भी कहते हैं, ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। नो, लव हैज आईज, इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू सी इट। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट विथ एनीबडी, इट्स नॉट नेसेसरी द लव इज अबाउट ओनली मदर और ओनली योर गर्लफ्रेंड और वाइफ, इट कैन बी विथ योर पेट। हाउ अ पेट कैन गिव यू अ लव बैक? बिकॉज यू आर गिविंग एवरीथिंग टू दैट पेट और अ पर्सन। तो ये गुबार है, ये एक शौक है, ये एक सोच है कि यार ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि वो नफरत करता है, लेकिन आपने सोच रखा कि वो प्यार करता है। तो आपका लहजा, आपका तरीका, आपका रवैया उसके तरह बड़ा नरम होता है। दैट इज़ व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। लव इज़ नॉट अबाउट गेटिंग ऑन डेट्स विद, बिकॉज 14th Feb इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यू गोइंग गिविंग रोज डे, टेडी डे, केक डे, भाई बाकी दिन नहीं करते? हाँ, बाकी दिन भी तो है, मतलब बाकी दिन प्यार ना करें। इट्स लाइक मदर्स डे पे माँ को याद कर रहे हैं, बाकी दिनों पे माँ को भूल जाए। आपने बीच में सोशल मीडिया का जिक्र किया था, सो आई एम ऑन सोशल मीडिया, बट उतना ही हूँ जितना होना चाहिए। दो महीने में एक पोस्ट मेरी ज़िंदगी में उतनी ज़रूरी है जितना मुझे वॉशरूम ज़्यादा ज़रूरी लगता है जाना। सो माई रिलेवेंस टू माई पोएट्री और माई सोशल मीडिया, सॉरी माई सोशल मीडिया, माई गोइंग टू द लू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पोस्टिंग इन सोशल मीडिया। बट इफ़ यू सी द वर्ल्ड नाउ डेज, इट इज़ द अदर वे अराउंड। तो आप इश्क कर किससे रहे हो? अब लोग कहते हैं सेल्फ लव, बेशक होना चाहिए, वो हर इंसान बाय डिफॉल्ट करता है, लेकिन अब ऑब्सेशन भी एक गलत चीज़ है। किस हद तक? देखिए, जब इश्क है तो हद नहीं होगी। अगर इश्क है तो हद नहीं है, फिर चाहे खुद से ही क्यों ना हो, वो किसी से हो। सर, आप आसमान, सबसे बढ़िया इश्क होता है माँ से, बाप से, घर में बहन है तो उससे, और उन सबके ऊपर होता है अगर खुदा से, भगवान से। क्योंकि ये वो, देखिए ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, बट ये वो तबके हैं जहाँ से सिर्फ आना ही मुमकिन है, जाना मुमकिन नहीं है। आप उनको दे नहीं सकते, आप उनसे सिर्फ ले सकते हैं। एक तरफा मोहब्बत माँ सिर्फ अपनी औलाद से कर सकती है, खुदा अपने बंदों से कर सकता है। इंसान की हैसियत ही नहीं है कि वो एक तरफा मोहब्बत कर भी पाए, क्योंकि अगर वो मोहब्बत कर रहा है तो एवज में कुछ तो चाहिए। एक्सपेक्टेशंस वहाँ भी रहती हैं, बहुत कम कुछ होगी ना वाचा भाई, तो बहुत कम होगी तो वक्त की एक्सपेक्टेशन होगी कि यार मेरे साथ एक घंटे तो स्पेंड करे, 15 मिनट तो एक्स्ट्रा दे दे, आज कॉफ़ी पीने तो चल रही। दिस इज़ वॉट योर एक्सपेक्टेशन इज। लव वेयर देर इज नो बाउंड्री, देर इज़ नो लिमिट, देर इज़ नो एक्सपेक्टेशन, इज जस्ट देयर। आप जब बिस्तर से सुबह उठ के सो के उठते हैं तो पहली आवाज़ घर में चाहे कोई भी हो माँ को देते हैं ना,
दैट्स व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लव इज, कि हो ना हो, बेवजह या बावजह, आप माँ को याद कर लेते हैं। कभी ठोकर लगती है तो कभी बोलते हैं हाय गर्लफ्रेंड, नहीं बोलते ना, अरे बाप रे, क्यों कहते हैं, कभी कुछ सोचा है बाप रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाप आपकी ज़िंदगी का वो पिलर है, उससे मजबूत ना आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा है ना देख पाएंगे। उसको आपको उस वक्त खुदा ने वो तासीर अंदर दे रखी है कि ठोकर लगने पे बाप ही याद आएगा, क्योंकि वही चलना सिखाता है। दिस इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर मी। नज़रिया, आप देखते कैसे? शौके दीदार चाहिए तो नज़र पैदा कीजिए। कुछ हमारे टूटे दिलों को कुछ मलहम देना चाहेंगे, वो जिनके प्रपोजल प्रपोज डे पर ठुकरा दिए गए, जिनके टेडी हाँ, तो उनके लिए दो शेर अलग अलग हैं। हाँ। तो पहला कि जब उनका दिल टूट गया है तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा, तो उस पर कहा था, बहुत बहुत पुराना शेर है मेरा, कि उसके घर से दूर नहीं मेरा घर, उसके घर से दूर नहीं मेरा घर, उसके घर से दूर नहीं मेरा घर, रास्ते में बस एक जमाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। और जिनके दिल टूट गए हैं और जो थोड़े खुददार किस्म के इंसान होंगे, और जो थोड़े कहते हैं ना, हम उर्दू में एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं अहम। हाँ। अहम और वहम बहुत भाई बहन वाला रिश्ता है। हाँ, साथ में ही चलते हैं। हाँ, तो अहम आ गया तो आपको जिंदा रख देगा और वहम आ गया तो आपको बर्बाद कर डालेगा। ठीक है, तो जिनमें वो अहम है, जिनमें खुददारी बची है, तो मैं यही कहूँगा कि अब जिनके साथ दिल टूटा है, जिनकी वजह से, उनको एक मैसेज लिख के भेज दें और यही शेर नीचे मेरा नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि ये शेर पहले बहुत दफ़ा चोरी हो चुका है, कि ये है कि तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूँ मैं। वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो अभी हम आपको सुना रहे हैं, तो ये हम लोगों ने, हम लोग, मैं और शाहजी दोनों ही, हम लोग जगजीत जी और गुलजार साहब को देख के बहुत मुतासिर हुए थे। तो और ये बहुत ज़माने से किसी ने किया नहीं था, तो हम जो आपके सामने पेश कर रहे हैं ये एक पुरानी गज़ल है जिसके ऊपर हमने अपनी कुछ लाइनें लिखी हैं और उसको हम अपने तरीके से परफॉर्म करते हैं। जो हम अभी जब्त इश्क किया है, हमने उसमें भी हम इस फॉर्मेट को प्रेजेंट करते हैं लाइव। बिखरी हुई सांसें, धड़कने, जुस्तजू, बिखरी हुई सांसें, धड़कने और जुस्तजू, बस अब ये ज़िंदगी भी यूँ बिखर न जाए कहीं। नियते शो भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शो भर न जाए यादों की पगडंडी सुनी है, तेरी यादों की पगडंडी सुनी है, वीरान नहीं है, आंखें भेद बता देती हैं, आंखें भेद बता देती हैं, चुप रहना आसान नहीं है। आरज़ू है तू यहाँ, भर न जाए कहीं। यह आपके लिए बादशाह कि ज्यादा ही खुश करती, ज्यादा ही खुश जाहिर करती, ये तेरी मुस्कान नहीं है,
ज़्यादा ही खुश जाहिर करती, तेरी ये मुस्कान नहीं है, सब चीज़ें हैं घर में, सब चीज़ें हैं घर में, लेकिन जीने का सामान नहीं है। इमोशनल कर दिया आपने। बट राशिद साहब, शाजी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से ही मिलके, एंड मैं सभी से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ साज ही तो है इनकी, जो साज ही है, साज ही है इसकी, ये एल्बम प्लीज़ आप लोग सुने, मैं तो जाऊँगा सुनूंगा ही, एंड ये एल्बम इज़ आउट नाउ, आउट इन ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यस, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट साज ही है।